हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि ना, कभी किसी का दांत जैसे सर्जरी होता है या जहाँ कीड़ा वाला दांत निकालने के बाद डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ नरम खाने के लिए बिना मसाला बिना मिर्च का, तो उसको मैं आज मैं बना के दिखाऊंगी। तो मेरा भी दांत का थोड़ा छोटा सा ऑपरेशन टाइप का हुआ है, कीड़ा दांत का, तो इसीलिए मैं भी खा रही हूँ, तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप भी कैसे, अगर आपका भी कभी फ्यूचर में दांत का कोई ऑपरेशन होगा तो आप लोग भी कैसे खा सकते हैं ऐसे खिचड़ी नॉर्मल से बना के स्वादिष्ट वाला, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो खिचड़ी बनाने के लिए पहले तो हम लोग को सब्ज़ी चाहिए। सब्ज़ी यहाँ पे आप लोग को जो भी पसंद है वो ले सकते हैं। मैं फूलगोभी, आलू, बीन्स और टमाटर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दाल और चावल लेंगे। मूंग दाल होगा तो बहुत ही अच्छा। मेरे पास आज मूंग दाल नहीं है तो मसूर का दाल ले रही हूँ। तो जितना मसूर का दाल लेंगे उतना ही हम लोग चावल लेंगे। तो यहाँ पे मैं घर का अरवा चावल ले रही हूँ। आपके पास अगर खिचड़ी बनाने वाला कोई भी अलग सा चावल है तो आप ले सकते हैं। ये देखिए करछी, देख सकते हैं ना, इसी करछी से तो एक करछी में दाल, एक करछी और एक करछी में चावल ली हूँ। तो दोनों को अच्छे से धो दी हूँ। अभी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे मैं कढ़ाई को गर्म कर दी हूँ। गर्म होने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप तेल भी यूज कर सकते हैं, या आपको अगर घी पसंद नहीं हो तो तेल, रिफाइन तेल से भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं 1 चम्मच हल्दी ऐड कर दी हूँ, और उसके बाद डायरेक्ट सब्जी को ऐड कर देंगे। इसमें कोई भी जीरा या फोरन कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि जब दांत का सर्जरी होता है ना तब सारे चीज़ मुंह में फंस जाता है, मतलब छोटा छोटा चीज़। इसलिए मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिंपल सा ही बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही टेस्टी होगा। आप लोग ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो सारे सब्जी को डालने के बाद थोड़ा सा इसको हल्का सोते करेंगे। उसके बाद इसमें खाली में डाल रही हूँ हल्का सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, कुछ नहीं डालेंगे। मिर्चा पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। मिर्चा पाउडर डालने से दांत में जहाँ पे आपका सर्जरी होता है वहाँ पे जलन होने का संभावना है, इसलिए डॉक्टर मना करते हैं। तो मेरा भी कुछ दिन हुआ, मतलब 2-4 दिन हुआ, मेरा भी दांत में सर्जरी टाइप का हुआ। सर्जरी मतलब कीड़ा खा गया था, इसीलिए उसको निकाली हूँ और उसमें टाका लगाया गया है। इसलिए मैं भी ये खिचड़ी खा रही हूँ, तो मैं सोची क्यों ना आपके साथ भी ये खिचड़ी का रेसिपी शेयर करूँ। आप लोग को भी थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। तो कुछ देर सब्जी को फ्राई करने के बाद हम लोग चावल और दाल को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और मूंग दाल होगा ना तो बहुत ही अच्छा टेस्टी आता है। मसूर दाल में उतना टेस्टी नहीं आता है, लेकिन क्या करें, आज नहीं था मेरे पास इसीलिए मैं मसूर दाल ऐड कर रही हूँ। और सारी सब्जी और मसाला दाल अच्छे से थोड़ा सा सोते करने के बाद लास्ट में अभी ऐड कर रही हूँ टमाटर, एक मीडियम साइज का कटी हुई, और इसको भी थोड़ा देर 2-3 सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा इस तरह सा मीडियम आंच में ही फ्राई करेंगे। तो अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम लोग देखिए यहाँ पे मैं 1 कटोरा जैसे ही होगा, 1 कटोरा से थोड़ा सा ज़्यादा होगा मेरा दाल और चावल, उसी के हिसाब से इसका 4 गुना पानी ऐड करेंगे। जैसे आप लोग 2 कटोरा चावल दाल ऐड करेंगे तो 8 कटोरा पानी, इस तरह से डबल ऐड करने से हम लोग का जो सब्जी और चावल अच्छा से कुक हो जाएगा और इसका थिकनेस भी अच्छा रहेगा। अभी देखिए, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। आपको बाद में पानी ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी से ही हम लोग अच्छे से पानी ऐड कर देंगे। तो और अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आप इस तरह से ना खिचड़ी बना के जो बच्चे लोग होते हैं 6 मंथ वाली बेबी, उन लोग को भी खिला सकते हैं। ये खिचड़ी बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है। इसमें तो मसाला मतलब मिर्चा कुछ ऐड नहीं किया गया है, उन लोग भी आराम से खा सकते हैं। तो अभी चलिए ढक्कन लगा के आंच को थोड़ा सा अभी हाई कर देंगे 5 मिनट, उसके बाद मीडियम आंच में इसको कुक करेंगे। तो देखिए एक बॉयल आ चुका है। अभी थोड़ा सा करछी चलाएंगे बीच बीच में, नहीं तो नीचे लग जाएगा। और आंच को थोड़ा मीडियम करके और 15 मिनट कुक करेंगे, मतलब 20 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है खिचड़ी।
मैं खुले में ही पका रही हूँ, कोई कुकर का ज़रूरत नहीं, इस तरह से नॉर्मल कढ़ाई में हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए हमारा खिचड़ी लगभग रेडी हो रहा है। आप चाहे तो ऊपर से हल्का सा गरम मसाला भी लास्ट में ऐड कर सकते हैं, मैं आज कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। तो देखिए हमारा जो खिचड़ी है ना बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, और इसको और थोड़ा देर में हल्का सा ढक्कन लगा के कुक कर रही हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ कुक हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। और आप चाहे तो इस तरह से करछी के मदद से भी इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको थोड़ा सा मसल के आलू और फूलगोभी जो है उसको भी थोड़ा सा पेस्ट टाइप का बना सकते हैं, चबाना नहीं पड़ेगा आपको। हल्का सा मैं एक चम्मच थोड़ा सा चीनी ऐड कर दी, आपको अगर पसंद होगा तो ऐड कीजिए, अगर नहीं पसंद होगा तो स्किप कर दीजिए। इस तरह से मिक्स कर देंगे और हमारा खिचड़ी बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर दूंगी। तो आपको जब भी थोड़ा सा खिचड़ी खाने का मन करे इस तरह से बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है एंड हेल्दी है एंड बहुत ही क्विकली बन के रेडी हो जाता है 15-20 मिनट में। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं गार्निशिंग कर लेती हूँ धनिया पत्ता से, और ठंडा होने के बाद इसको एंजॉय करेंगे। और आप लोग अगर आज का रेसिपी को थोड़ा सा भी पसंद किए होंगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह सा न्यू रेसिपी का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप लोग उसको एंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए इसको ठंडा होने के बाद आप लोग एंजॉय कीजिए। मतलब जिसका दांत अगर ऑपरेशन किया होगा तो ये ठंडा होने के बाद ही खा सकते हैं, गरम गरम बिल्कुल भी ना खाए। और मेरा भी दांत का छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं अपने लिए खिचड़ी बना के रेडी कर दी हूँ। तो चलिए मैं इसको ठंडा होने तक रखती हूँ। ठंडा होने के बाद देखिए इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह सही है, आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए इस तरह सही रहेगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है। तो चलिए एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ, ठंडा हो गया है अभी, और एंजॉय करते हैं। आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस सर्दी का सीज़न में तो गर्मा गर्म खिचड़ी खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो चलिए अभी ठंडा हो गया है, मैं भी जाके खाती हूँ।